ज्योतिष शास्त्र और सभी ग्रहों के केंद्र बिंदु माने जाने वाले भगवान सूर्य, इन्हीं का गोचर परिवर्तन हो रहा है ठीक आपके अष्टम भाव पर। यदि आपका जन्म धनु राशि में हुआ है, धनु लग्न में हुआ है, तो आपको ये समझना है कि अष्टम भाव पर आकर के सूर्य देवता आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, 17 जुलाई 2023 का वो डेट होगा जिस दिन यही सूर्य देवता आपके ठीक अष्टम भाव पर गोचर कर जाएंगे। और कब तक रहेंगे? तो 17 अगस्त 2023 तक रहेंगे, पूरे के पूरे एक महीने तक सूर्य देवता यहीं पर रहेंगे। भगवान सूर्य पुनः एक राशि में एक घर पर एक महीने तक रुकते हैं, इस हिसाब से पूरे 12 घर को कवर करके वो आपके अष्टम भाव पे है। अष्टम भाव पर आकर के ये किसकी राशि पर आए, तो ध्यान दीजिएगा, ये वो राशि है जो 4 नंबर लिखा है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। कर्क मतलब कि चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि जल तत्व की राशि है और भगवान सूर्य स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं। भूलना नहीं है, यही भगवान सूर्य आपके भाग्य से मतलब भाग्य के स्वामी बनते हैं आपके लिए सदैव के लिए। इसलिए आपको जानना चाहिए कि मेरी भाग्य की क्या स्थिति रहेगी। अब जब यहां पर सूर्य भगवान उपस्थित होंगे, राशि हो गई है जल की और भगवान सूर्य हो गए हैं अग्नि, अब आग में यदि पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो आग बुझ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से इनके कुछ चुनौतियां भी होंगी। हमने थंबनेल में लिखा है, आपने पढ़ा होगा कि चुनौतियां और चुनौतियों की सौगात। तो हमको चुनौतियां क्या मिलेगी और सौगात क्या प्राप्त होगा, इसी पर हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोनों पक्ष को समझिएगा। आप ये जानिए कि घर में यदि बाहर में यदि पानी गिर रहा है, आपके घर में बरसात हो रही है और आप घर पे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं, परंतु आपको जानकारी नहीं है कि बाहर पानी गिर रहा है, तो उस कंडीशन पे आप निकल जाएंगे और भीग जाएंगे। लेकिन आपको जानकारी हो जाती है, मौसम विभाग के द्वारा आपको सचेत कर दिया जाता है, तब आप क्या करते हैं, कोई छतरी ले लेते हैं और तब घर से बाहर निकलते हैं, आप सुरक्षित रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही ये समझिए कि यहाँ पर आपको वही बताया जा रहा है, बचने के उपाय हम बताएंगे और कैसे इस सूर्य का क्या प्रभाव होगा वास्तव में, इन सब बारीकियों को हम समझेंगे। ठीक आपके अष्टम भाव पर सबसे पहले समझिए कि सूर्य किस घर के मालिक है, तो आपके किस्मत भाव के मालिक हैं भाई। आपके किस्मत का सारा लेखा जोखा इन्हीं भगवान सूर्य के पास है। इनकी स्थिति ही दर्शाती है कि आपका भाग्य कितना साथ देगा। अपने भाव से ध्यान दीजिएगा, अपने भाव से ये ठीक 12वें घर पर है। कोई ग्रह जब अपने घर से 12वें घर पर होता है तो उसका प्रभाव हमें बहुत अच्छा नहीं मिलता, अर्थात वो ग्रह अपने भाव से दूर चला गया। दूर चला गया मतलब आपको भाग्य से इस जो क्या प्रभाव होगा, चुनौतियां क्या आएगी, चैलेंजिंग सिचुएशन क्या आएगा, तो चैलेंज ये आ सकता है कि भाग्य में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, परंतु हमारे भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे सामने बन पड़ता है। नवम भाव आपके पिता का है, तो पिता भाव के स्वामी अष्टम में जाना, या तो पिता के स्वास्थ्य में कोई नरमा गर्मी बन सकती है, या उनके स्वास्थ्य में बहुत गिरावट आ सकती है, या फिर ये मानिए कि उनके उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे कायम नहीं रह पाएंगे। इस पर आपको सचेत रहना है, ध्यान देना है आपको। यही वो भाव है जो उच्च शिक्षा का है, तो उच्च शिक्षा में जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं अथवा आप किसी भी प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो 17 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक का वो समय है जब आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मतलब आपका भाग्य कहाँ चला गया, शांति महसूस कर रहा है। क्यों शांति का महसूस कर रहा है, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि पर आया है। चंद्रमा शांति है, संवेदना है, जल है, तो यहाँ पर जल के भाव पर आकर के आपके नवम भाव को यहाँ शांति प्राप्त हो रही है, आपको ये मानना है। अब ध्यान दीजिएगा, यही नवम भाव हमारे किस्मत के साथ साथ हमारे उच्च अधिकारियों को दर्शाता है, हमारे सीनियर को दर्शाता है, हमारे बॉस को दर्शाता है। उनके द्वारा भी यहां पर बहुत अच्छे संबंध यहां पर कायम नहीं हो पाएंगे, कोई समस्या यहां पर आ सकती है। तो भाई अब पॉजिटिव क्या है और उपाय क्या है इसका, तो पहले पॉजिटिव को समझ लेते हैं, फिर हम उपाय पर जाते हैं। सूर्य का नैसर्गिक रूप से सूर्य का बहुत अच्छा संबंध है चंद्रमा से, जिनकी राशि पर गए हैं। अब चंद्रमा से संबंध है, आप ये सोचिए आप किसी के घर गए हैं और वो आपके मित्र हों, तो आपको कैसा महसूस होगा, आपको अच्छा महसूस होगा, वो भी आपकी खातिरदारी करेंगे, लेकिन उस माहौल का प्रभाव आपको जरूर पड़ेगा। इसी माहौल के प्रभाव को अभी आपने समझा, लेकिन खातिरदारी जो चंद्रमा इस भाव को मतलब सूर्य को करेंगे, अपने राजा को करेंगे। चंद्रमा कौन है तो रानी है और सूर्य कौन है तो राजा है, तो वो खातिरदारी क्या होगी, आप ये समझे कि इस टाइम पर कोई परिवर्तन हो सकता है,
कोई भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन भाव पर यहां पर सूर्यदेव आए हैं। आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, आप ऑकल्ट साइंस से आप जुड़ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारे सबसे बड़े स्रोत बनते हैं हमारे स्पिरिचुअल भावनाओं को बढ़ाने के लिए। धार्मिकता आ सकती है, गुप्त तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान पूजा पाठ इन सब में आप ज्यादा इस समय पर संलग्न हो सकते हैं, और सिर्फ संलग्न ही नहीं हो सकते, आप उससे लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। आपको यह जानना चाहिए, अष्टम भाव सारे के सारे रुकावटों का भाव है। जहां पर सूर्य जैसा यदि प्रतापी ग्रह मौजूद हो जाए तो उन रुकावटों में कहीं ना कहीं हमको कोई रास्ता जरूर नजर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपको भूलना नहीं, आपके भाग्य से भले इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन भाग्य को कहीं ना कहीं ये वहां पर जा करके भी भाग्य में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये परिवर्तन भाव पर है। कौन सा उपाय किया जाए, जिन उपायों के द्वारा हम इस सूर्य देवता से ज्यादा लाभ ले पाए, लाइफ टाइम हमेशा के लिए ये सूर्य भगवान आपके किस्मत के स्वामी बनते हैं। इसलिए उपायों पर बड़ा गौर से ध्यान कीजिएगा, और आप सदैव के लिए इसका यदि आपने उपाय को धारण कर लिया, बहुत ज्यादा आप लाभान्वित हो सकते हैं। प्रथम उपाय माना जाता है ओम शब्द का उच्चारण। जगत पिता ब्रह्मा जी ने जब इस पृथ्वी इस सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले उनके मुख से निकला था ओम। अब ओम उच्चारित ज्यों हुआ, उनके साथ ही एक प्रकाश पुंज निकल करके सामने आया, वही हुए भगवान सूर्य। और तब भगवान के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव शंकर जी ने, भगवान नारायण जी ने मिलकर के इन्हें सभी ग्रहों का राजा बना दिया। आप देखेंगे सारा जगत प्रलयकालीन अवस्था में आ जाता है। इस युग में सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, कलयुग सभी हैं, लेकिन भगवान सूर्य तब भी थे और आज भी हैं। ये सारे संसार को ये देख रहे हैं, और इसी कारण से इन्हें कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता। चंद्रमा मन के देवता है जिनके राशि पर ही आए हैं, और सूर्य कौन हो गए, तो सूर्य चक्षु हो गए हैं, अर्थात भगवान के ये ही आँख हैं। और भगवान हमारे सामने आ करके जब देखते हैं तो यही समझिए कि भगवान सूर्य वहां से देख रहे हैं। हम कभी कभी ये सोच लेते हैं हमारे कर्मों का प्रतिफल नहीं मिलता है, हमारे भगवान कोई नहीं देखता, लेकिन भगवान इसी सूर्य के रूप में सारे जगत को देखते हैं। इसीलिए भगवान सूर्य एक ऐसे देवता, एक ऐसे ग्रह बनते हैं जिनके नाम के साथ में नारायण शब्द उच्चारित होता है। ब्रह्मा के वेदों से निकले ओम ओम ओम। ये ओम शब्द की महत्ता है जो आपको जपना है इस गोचर काल में, क्या हमेशा के लिए, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी हैं। ब्रह्मा के वेदों से निकले ओम ओम ओम, शिव शंकर की डमरू बोले ओम ओम ओम। जब भगवान के सारे वेदों में इन्हीं ओम का आप उच्चारण देख सकते हैं। जब कोई भी मंत्र आप पढ़ें, प्रथम क्या आया, प्रणव, ओम आया, और इसी ओम को आप पूर्व दिशा तरफ मुख कर लीजिए, और वहां पर बैठ करके आपको चाहिए कि ओम शब्द का उच्चारण जितना बार भी हो सके, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार या अधिक भी, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी आपके लाइफ में भर देगा, क्योंकि ये भगवान सूर्य आपके भाग्येश हैं, आपके किस्मत के स्वामी हैं। अब दूसरा जो उपाय है वो साक्षात आपके पिताजी हैं। पिता का संबंध सीधा सीधा इन सूर्य से माना गया है, तो सीधा अब जब पिता का संबंध इन्हीं सूर्य से, हमारे भाग्य से, हमारा भाग्य कौन प्रबल करेगा, लॉजिक देखिए। तो पिता से जुड़ना, पिता से सम्मान लेना और सम्मान देना, ये दोनों ही सूर्य को मजबूत करता है। आपके जन्म पत्रिका में भी इस सूर्य की स्थिति अच्छी है तब तो अच्छी है, यदि कितनी भी बुरी स्थिति में आपके जन्म पत्रिका में इस सूर्य की स्थिति हो, आप ये मानिए कि अपने पिता को आप सूर्य मान लीजिए। सीधा कनेक्शन उनका आपके भाग्य से है, भाग्य उन्नति से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यदि किसी कारण से उनसे संबंध बिगड़ गए हैं, संबंध बना लीजिए भाई। और किसी कारण से यदि पिताजी नहीं हैं, तो पिता के समान जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनसे जुड़ करके उनका सम्मान कर देना, उनको कुछ दान कर देना। पितरों को उसका सम्मान सदैव शुभकारी होता है। इसी कारण से अमावस्या के दिन चाहिए कि ब्राह्मणों को या किसी जरूरतमंदों को कुछ दान पुण्य कर दें, उन्हें भोजन करा दें। साक्षात उन्हीं पिता का आशीर्वाद, उन्हीं पितरों का आशीर्वाद मिल जाएगा, और भाग्य में कैसी भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समन शीघ्र अति शीघ्र हो पाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर एक उपाय है, भगवान शंकर जी महाराज।
माना जाता है कि लाल मतलब एक आप जल ले लीजिए, तांबे का जल ले लीजिए और तांबे में जल भर दीजिए, तांबा का पात्र जो होता है यही भगवान सूर्य नारायण है, उसमें डाल करके जल डाल करके थोड़ी सी कुमकुम या केसर उसमें मिला सकते हैं और इसे भगवान शिवलिंग पर, आपके घर में यदि शिवलिंग है, स्फटिक की हो, चांदी की हो, पत्थर की हो, कैसी भी शिवलिंग हो, उस पर आप बढ़िया अपने मंत्रों के द्वारा इसी ओम या ओम नमः शिवाय के मंत्रों से भगवान शिव को आप अभिषेक कर सकते हैं। अभी तो भाई सावन का विशेष महीना चल ही रहा है और इसमें जब अभिषेक करते हैं भगवान शिव का सानिध्य तो प्राप्त होगा और साथ ही साथ इन सूर्य का आपको कृपा मिलेगा जो आपके भाग्य हैं। इसीलिए माना जाता है गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता, अश्वमेध के यज्ञ बराबर उनको फल है मिलता। तो उसी जल में दो बूंद गंगा जल मिला करके भगवान शिव को अर्पण कीजिए, कार्य सधेंगे। आपके घर में जो पूर्व दिशा है, साक्षात वो दिशा सूर्य नारायण का दिशा है, उस दिशा पर कोशिश कीजिए साफ सफाई रखें और वहाँ पर एक तांबे के सूर्य भगवान उस अपने पूर्व दिशा के दीवार पर आप स्थापित कर सकते हैं। होगा क्या, सूर्य की आपको कृपा प्राप्त होगी। हमेशा वास्तु दोष का समन इससे हो जाता है, बड़े से बड़े वास्तु दोष भी पूर्व दिशा यदि आपके सुधरे हुए हैं, अच्छे हैं, तो बाकी घर में किसी अन्य दिशा में यदि कोई वास्तु दोष है तो भी ये पूर्व दिशा आपका उसे मेंटेन करता है। उम्मीद है आप सबने इसे जाना होगा, सबने इसे समझा होगा। यदि आपने इसे जाना है, समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, यदि आपके समझ में आया हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत सकारात्मक हमारे हृदय में वो बात आती है कि भाई हमारे कार्य को आपने सराहा है, एक बल मिलता है और हम पुनः फिर से कोई नया टॉपिक लेकर के, कोई अच्छे ज्ञानवर्धक टॉपिक लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सूर्यदेव।